दंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि जयशानाय भानच सो हाय गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक जेके नीटिंग। तो अगेन स्टेटस वीडियो के साथ आज हम 4K स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को प्रीव्यू देख लिया उसके बाद तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अलर्ट मोशन ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है 1080x2340 और फ्रेम रेट को आपको 30 FPS कर देना और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देना। उसके बाद फिर यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले जो फोटो है उसको गणपति फोटो को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे और उस फोटो को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो हम इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में जितना चाहो जैसे कि 10 सेकेंड आप 20 सेकेंड भी कर सकते हो। तो अभी मैंने 10 सेकेंड ड्यूरेशन कर देना। तो ये 10 सेकंड हो गया। 10 सेकंड होने के बाद में यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक करना, 3 लाइन पर क्लिक करके इसको फिल स्क्रीन कर देना है। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से इस फोटो पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करके पहले इसको यहाँ पर राइट में स्वाइप कर देंगे इतना। तो यहाँ तक ये इतना स्वाइप हो गया। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर जो एक प्लस वाला आइकन दे देना है और यहाँ से आपको 5 सेकंड पर चले जाना है। यहाँ से ये 5 सेकंड इतना। उसके बाद आपको फिर प्लस वाला आइकन देके अपने फोटो को यहाँ से स्क्रॉल करके लेफ्ट में ले आना है। लेफ्ट में स्वाइप आपको इतना इतना कर देना है और उसके बाद आपको फिर लास्ट में चले जाना है। लास्ट में फिर इसको इतना स्वाइप कर लेना है सेंटर में। तो यहाँ तक ये इतना आपको कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे। इमेज वीडियो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक PNG ऐड करेंगे, ट्री PNG को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में फिर इसको लास्ट तक इसकी ड्यूरेशन को कर देंगे। ड्यूरेशन को लास्ट तक करने के बाद में फिर यहाँ से इस PNG पर क्लिक करना और 3 लाइन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर देंगे। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से फिर अब मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना और स्वाइप कर लेना है राइट में स्वाइप करने के बाद में इसकी साइज को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके इतना साइज को इंक्रीज कर लेंगे। साइज को इंक्रीज करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर इसके जो प्लस वाला आइकन दे देना और यहाँ से लास्ट में चले जाना। लास्ट में देखिए इसको इस साइड स्वाइप करना है जो लेफ्ट में। तो यहाँ तक ये इतना इसको स्वाइप कर देंगे तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं एडजस्ट हुआ अपनी। तो इतना अपना वीडियो अच्छे से एडजस्ट हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो अपना टेम्पलेट ऐड करेंगे, टेम्पलेट ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे और उस टेम्पलेट को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं टेम्पलेट को पहले यहाँ पर तो ये वो टेम्पलेट वीडियो। इस टेम्पलेट वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद इसको मूव एंड ट्रांसफर क्लिक करके इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। यहाँ तक इतना रोटेट करने के बाद फिर इसको 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ से इसको फिल स्क्रीन कर देंगे। फिल स्क्रीन करने के बाद जो इसका ज़्यादा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ से इतना इसको ट्रिम हो गया। ट्रिम करने के बाद में फिर इस पर आपको बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद में फिर इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग में यहाँ से आपको लाइट एंड का ऑप्शन चूज कर लेना। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर इसको लाइट एंड कर लेना है। अब स्क्रीन में अच्छा से लाइट एंड में अच्छा से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इतना हो गया। उसके बाद में इसका जो टेम्पलेट वीडियो और उसको ऐड करेंगे और मटेरियल पासवर्ड है 5678। इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे। इमेज वीडियो पर क्लिक करने के बाद उस टेम्पलेट को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ से तो ये वो टेम्पलेट वीडियो। इस टेम्पलेट वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर देंगे। फिल स्क्रीन करने के बाद में फिर इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा पार्ट उसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद में फिर इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग में लाइट एंड पर क्लिक करेंगे और इसको स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ से ये इतना एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसका जो ऑडियो उसको ऐड करेंगे। तो ऑडियो ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ये पहले का वीडियो है तो उसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है
और ये वीडियो है तो वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार वीडियो अपना दिखा देता हूँ। तो अपना ये वीडियो बनके तैयार हो चुका है, अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एयर वाले ऑप्शन क्लिक करके, वीडियो पर क्लिक करके, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके गैलरी में सेव कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं कर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मैं हमेशा आपके लिए 4K स्टेटस वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और